वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, आई होप यू ऑल आर सेफ देयर। और आज हम जा रहे हैं गोकुल, भगवान कृष्ण का जहाँ पे अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ पे पालन पोषण हुआ है। वासुदेव जी मथुरा से भगवान कृष्ण को लेके आए थे, तो आज वही सब आपको दिखाते हैं। आज हम लोग भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं साथ में। दिखाते हैं कि किस तरह से वो जहाँ पे रमण ऋषि आश्रम है, जहाँ पे गोकुल है, वहाँ की गलियाँ, वो सारी चीज़ें आज आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज मैं और मम्मी दोनों निकले हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं गोकुल गांव में। किस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गोकुल की गलियाँ, और कहाँ हो के हम वो रमण रेती आश्रम को जाते हैं, और ये किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे शूटिंग भी होती है मूवीज़ की। कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार की मूवी की शूटिंग भी हुई थी, और ये होटल्स हैं यहीं राइट एंड पे। एक मूवी की भी शूटिंग हुई थी। आप जो लेफ्ट हैंड पे देख रहे हो वो रसखान समाधि है, जो फेमस कवि थे जो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। तो रसखान समाधि भी यहीं पे पास में ही है। वो यहाँ पे पार्किंग भी है, अगर आप रमण रेती आते हो तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जहाँ पे अपनी गाड़ी आप पार्क कर सकते हो। और फोर व्हीलर का 20 रुपीज़ यहाँ पे पार्किंग है, और यहाँ पे कहीं पे भी आप अपनी गाड़ी लगा सकते हो। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, जो जानवर यहाँ पे हैं, एनिमल्स जो बर्ड्स हैं यहाँ पे पाले हुए हैं, उनको दिखाते हैं। ये इस तरह से डियर है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर पाले हैं इन्होंने, यहीं पे खाना वो खिलाते हैं, और बहुत अच्छे से देखभाल होती है इनकी। तो जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इनको खाना भी खिलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं इनको देखने के लिए। चलिए अब एंटर करते हैं रमण रेती आश्रम के अंदर। ये मुख्य द्वार है। आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो जूता घर है, यहाँ पे जूते चप्पल सैंडल आप रख सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है।
यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको भगवान के दर्शन कराएं अंदर से जाके, और जितना पॉसिबल होगा अंदर से ये रमण रेती आश्रम आपको दिखाएं। जो आप प्लेस देख रहे हो यहाँ पे सुबह और शाम को भी शायद प्रसाद मिलता है, प्रसाद में खिचड़ी मिलती है, समटाइम्स कुछ और भी मिलता है। तो यहाँ पे बैठते हैं सारे लोग और प्रसाद खाते हैं, यहीं पे थाली और बर्तन भी मिलते हैं। ये सामने आप अभी लेके जा रहे हैं, आपको सामने शोर सरोवर है, तो एक तालाब है, काइंड ऑफ तालाब की, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान कृष्ण आते थे, नहाते थे, उनके सारे दोस्त वगैरह आते थे, गाय चराने और जो भी करते थे वो लोग, तो इधर आते थे। वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं अभी हम। Thank you.
परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ के हर धूल के एक एक कण में भगवान विराजमान है ऐसा माना जाता है, और धूल की होली खेलते हैं यहाँ पे लोग। आगे आपको दिखाएंगे कि धूल में बहुत सारे लोग होली खेलते नजर आएंगे, धूल एक दूसरे पे फेंकते हुए, धूल में वो लेट रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। जब हम वापस लौट रहे थे, ये हाथी हमको मिला। ये हाथी पूजा करता है, इसके साथ एक और हाथी था जो मर गया है। देख, थाली लेता था, एक बैल बजाता था, घंटी बजाता था भगवान के सामने। ये दोनों हाथी पूजा करते थे, अभी ये सिंगल रह गया है। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चिंताहरण महादेव जी के मंदिर, तो वो भी आपको दिखाएंगे रास्ता कैसे जाता है। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये चिंतारण महादेव जी का मंदिर है। तो यहीं पे हम गाड़ी पार्क करेंगे बाहर ही, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, और फिर हम आप अंदर जाएंगे।
देखा, जैसे किस तरह से वहाँ पे सारी गलियाँ देखी आपने, वो आश्रम देखा, वो हाथी देखा जो खुद से पूजा करता है वहाँ पे, वो इतने सारे एनिमल्स देखे जिनको पता है कि यहाँ के कण कण में भगवान विराजते हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं। तो अभी उसके बाद हम लोग गए थे चिंतारण मंदिर, जो कि भगवान शिव शिव का मंदिर है और उसकी भी काफ़ी मान्यताएं हैं। तो जितना भी कोशिश हमने की, जितना भी कैमरा वहाँ पे अलाउड था, तो हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको दर्शन करना हो या कुछ भी करना है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो और बताएं हमें कि लेट मी नो कि कब आपको दर्शन करना है, कहाँ पे आप आ रहे हो या कहाँ का आप चाहते हो। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट।